डकचेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रियल प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, ना कि कोई मीम टोकन है या फिर हाइप बेस्ड प्रोजेक्ट है। फिलहाल ही अगर आपने क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो हो सकता है कि आपको लेयर 1 के बारे में नहीं पता हो, लेयर 2 के बारे में नहीं पता हो, जिसको शॉर्ट में L1 या L2 बोलते हैं। टॉन का जो ब्लॉकचेन है वो है L1 यानी कि लेयर 1। सो लेयर 1 के नीचे क्या आता है? लेयर 2। एंड डकचेन यहाँ पर यही काम कर रहा है। फर्स्ट टॉन L2 यहाँ पर सिंपली बिल्ड कर रहा है पावर्ड बाय आर्बिट्रम। एंड यहाँ पर ये L2 प्रोजेक्ट है यानी कि एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। सो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, बट हाई एक्सपेक्टेशन ना रखे कि $500 मिल जाएगा, $1000 मिल जाएगा। हो सकता है $50 मिले, $100 मिले, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है और आप फिलहाल अर्ली स्टेज पे हैं तो एक अच्छा रिवॉर्ड कमा सकते हैं। और फिलहाल ही इन्होंने अपना जो टेस्ट नेट है सिंपली वो लाइव कर दिया है। सो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप डकचेन एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, किस प्रकार से फॉसेट को ऐड करेंगे, किस प्रकार से स्टार्स को ऐड करेंगे, किस प्रकार से NFT मिंट करेंगे एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। डकचेन के एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर जो डकचेन है उसको ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चैनल में सर्च कर लेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे डकचेन का बोट ओपन हो जाएगा टेलीग्राम पर एंड कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से समझते हैं ताकि आप सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर सबसे पहले आपको होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके वॉलेट में आपको जितने भी यहाँ पर डक्स टोकन मिले होंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे, बेसिकली आप इनको पॉइंट्स बोल सकते हैं। अब आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे अर्न कर सकते हैं? सो आपको यहाँ पर बतख देखने के लिए मिलती है, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हो सकता है कि ये प्लस हो या माइनस हो, जैसे कि प्लस में 11 हुआ, अगेन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो माइनस में 16 हो गया, यानी कि आप इसको पेवर लक बोल सकते हैं। सो आप इसको ज्यादा ट्राई ना करें, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स है वो माइनस हो जाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे -16 -11 -17, यानी कि प्लस से ज्यादा माइनस हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा आपको छेड़ाछेड़ी नहीं करनी है। एंड नीचे आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार का, आपको जस्ट यहाँ पर पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट करना है, एक नया पेज ओपन होगा एंड आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये कौन सा वॉलेट है? डकचेन का टेस्ट नेट फॉसेट वाला वॉलेट है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का अदर वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है? फॉसेट। अब ये फॉसेट क्या बवाल है? सो फॉसेट एक तरीके की गैस फीस है, लेकिन ये रियल टोकन नहीं होता है। एंड जो फॉसेट यहाँ पर लगेगी यानी कि गैस फीस लगेगी वो टॉन की लगेगी। अब यहाँ पर आप उसको कैसे बाई कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, फिलहाल स्टार्स के माध्यम से आप यहाँ पर फॉसेट को खरीद सकते हैं। अब ये स्टार क्या बवाल है, अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, सो स्टार आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर जो टेलीग्राम यूज करते हैं ना, सो टेलीग्राम पर जो पेमेंट ऑप्शन है वो स्टार्स का है, यानी कि स्टार्स के माध्यम से आप यहाँ पर कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं टेलीग्राम के जितने भी बोट्स हैं या जितने भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सो आपको टेलीग्राम में कैसे स्टार्स ऐड करने हैं इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। बाय द वे अगर आप पुराने यूजर हैं तो आपको पता है कि स्टार कैसे ऐड किए जाते हैं। सो जब आप अपने टेलीग्राम वॉलेट में स्टार ऐड कर लेते हैं सो आपको यहाँ पर एक पैकेज सेलेक्ट करना है कि कितने स्टार का आपको फॉसेट खरीदना है। मैं बोलूंगा 10 स्टार बहुत है, तो आप यहाँ पर 10 स्टार को सेलेक्ट कीजिएगा एंड डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन देना है एंड आपका यहाँ पर जो फॉसेट है सिंपली वो बाय हो जाएगा। एंड जैसे ही फॉसेट बाय हो जाता है आपको यहाँ टेस्ट नेट का जो ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा एंड अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट कर लीजिएगा। बाय द वे वो ऑटो कनेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा एंड आपने जितने भी स्टार्स ऐड किए होंगे वो दिखाई देंगे एंड टॉन कॉइन दिखाई देगा, जो कि टेस्ट नेट का जो टॉन कॉइन है सिंपली वो है, आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा जितनी भी NFT मिंट की जाएंगी वो सभी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। मैं ऑलरेडी 11 मिंट कर चुका हूँ, मैक्सिमम 24 फिलहाल हम मिंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आना है, आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टेस्ट नेट टास्क का। अब आपको पता होगा कि पहले ही आपने स्टार्स डिपॉजिट कर लिए थे, आपको यहाँ फॉसेट वाला ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया यहाँ पर फॉसेट का जो पेज है सिंपली वो ओपन हो जाएगा एंड कुछ ऐसा पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर सेंड मी टॉन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड आपका जो टॉन है सिंपली टेस्ट नेट का वो यहाँ पर भेज दिया जाएगा आपके वॉलेट में एंड इसमें यूजुअली 2 मिनट लगेंगे। ये है पहला स्टेप। अब आपको करना है दूसरा स्टेप यहाँ पर फॉलो। सो बेसिकली दूसरे स्टेप में क्या है, आपको यहाँ पर मिंट करनी है NFT। पहला ऑप्शन है मिंट कर सकते हैं आप यहाँ पर NFT को स्टार को यूज करके, दूसरा ऑप्शन है टॉन को यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर
टोन में तो लगेगी फॉसेट यानी कि गैस फीस और स्टार्स के माध्यम से फ्री में हो जाएगी। आप जिस भी ऑप्शन में कंफर्टेबल हैं अपने अनुसार चयन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं टोन का यहाँ पर ऑप्शन चयन करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद में 5 to 10 सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको साइन करना है यानी कि जो ट्रांजेक्शन है इसको वेरीफाई करना है। आप यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको 5 to 10 सेकंड वेट करना है। जो भी NFT मिंट हुई होगी वो आपको दिखाई देगी, आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है एंड आपकी जो NFT है वो आपके यहाँ पर वॉलेट में एड हो जाएगी। अगर एड नहीं होती है तो एटलीस्ट आपको 1 to 2 मिनट वेट करना है एंड पेज को रिफ्रेश कर लेना है, आपकी जो NFT है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या बोलता है कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं एंड जो NFT है वो मिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब क्या है, यानी कि उनका जो डक चेन का बोट है सिंपली वो ओपन हो जाए पूर्ण तरीके से टेलीग्राम पर, एंड आपको यहाँ पर जो NFT है वो मिलेगी मिंट करने के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, यहाँ से आप अपना लिंक कॉपी करेंगे एंड शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ टास्क मिलते हैं, वो टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे चेक इन करना है, रीट्वीट करना है या कोई वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको काफी सारे टास्क मिलते हैं, उन सभी को कंप्लीट कीजिएगा। सच बताऊं तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डक चेन के टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करना एंड NFT को मिंट करना। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।